हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बो ऑक्सलिक एसिड। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे तो प्रिपरेशन हमारे पहले से पड़े हुए, फिर भी एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अभी प्रिपरेशन मेथड से पहले लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, फिर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन एल्डिहाइड्स, फिर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड है। तो पहले देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो इसके तीन मेथड है, उसमें से देखो तीनों की तीनों पड़ी हुई है। पहला देखो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो हमने प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो बनेगा कीटोन। देखो पूरा रिपीट है, पूरा वहाँ से एल्कोहल से पढ़ लेना। फिर बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी ऑक्सीडेशन के बाद हमने पढ़ा था। तो प्राइम एल्कोहल को हमने क्या किया, इसके वेपर को पास किया रेड हॉट कॉपर, मतलब हैवी मेटल, या फिर सिल्वर भी ले सकते हैं एट 573 केल्विन। तो क्या बनेगा उससे, एल्डिहाइड। फिर हमने लिए किया डिहाइड्रोजनेशन, मतलब यहाँ से एच और यहाँ से एच निकलता है इसमें। ठीक है ना, और इसमें क्या करें हम लोग, ऑक्सीडेशन करें ना, तो इसमें वही वही हो रहा, वो दोनों एक ही देखा जाए। तो यहाँ से एच और यहाँ से एच निकलेगा। देखो यहाँ से डिहाइड्रोजनेशन, एच टू ये बाहर निकल गया, ये एच टू ये बाहर निकल गया। ठीक है ना, इस टाइप से आपको करने का। तो यहाँ पे एच एच और यो मिल के वाटर बन जाएगा यहाँ पर, ये देखो एच टू, यहाँ पर भी ऐसे होने वाला एच टू। रिपीट है, उसके मैं कोई क्लियर रहा हूँ। तो सेकेंड एल्कोहल से क्या बनेगा आपका, कीटो। टर्शरी एल्कोहल से बनता है अल्किन, याद है ना, लेकिन वो अल्किन नहीं बनाना हमको, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाना है। देख लीजिए, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब इसमें थर्ड हाइड्रोकार्बन्स देखो, अभी इसमें ये भी रिपीट है, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन्स, हमने अल्किन चैप्टर में पढ़ा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो अभी यहाँ पर देखो, अल्किन को ओजोन ऐड करेंगे तो ओजोनाइट प्रोडक्ट, उसको हम क्या करेंगे जिंक और वाटर से रिड्यूस करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। तो इससे बनता है आपका मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स, मतलब सेम और डिफरेंट, मिक्सचर ऑफ कीटोन सेम और डिफरेंट, या फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऐसा है। रिपीट है, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। फिर बायहाइड्रेशन अल्काइन, ये भी रिपीट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं हम लोग अल्काइन, अल्काइंस। तो हमने इसे एग्जांपल लिया इथाइन, इथाइन का हमने क्या किया, हाइड्रेशन किया, पहले वाटर ऐड किया एच और यहाँ पे ओ एच, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 333 केल्विन लिया। तो यहाँ बनेगा आपका विनाइलिक एल्कोहल, उसको हम टॉटोमेराइज करके क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। तो एसिड एल्डिहाइड एक ही बनता है। अगर आपने इथाइन लिया तो क्या बनेगा, इथेनल, बाकी दूसरा कोई एल्डिहाइड नहीं बनेगा। और उसके बाद कोई भी अल्काइन लेंगे तो बनेगा कीटो। तो थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने इसको। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, अब देखते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल और अराइल क्या लिया हमने, असाइल क्लोराइड ले लिया, उसको रिड्यूस किया, तो मतलब ये एच यहाँ पर आ जाएगा और ये सी एल इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा एच सी एल, देखो निकल गया। और यह बन गया आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या ले रहे हैं, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट ले रहे हैं, मतलब कि बेरियम सल्फेट को पैलेड में डिपॉजिट करते हैं और उसको थोड़ा क्या ऐड करते हैं, क्विनोलिन जो ऑर्गेनिक बेस है, या फिर सल्फर, तो जिससे क्या होता है उसमें कंटामिनेशन, मतलब वो पॉइजन हो जाता है, इसके कारण उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है ना, और इस रिएक्शन बोलते हैं हम लोग रोजन मुंड रिडक्शन बोलते हैं। कर लीजिए नोट डाउन से। ओके, अब देखते हैं उसमें सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। ठीक है ना, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स देखते हैं अभी। तो अभी हम कह रहे हैं बाई यूजिंग, उसमें पहले लेते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स लेते हैं। तो नाइट्राइल्स देखेंगे दो पार्ट में डिवाइड किया, बाय यूजिंग स्टेनस क्लोराइड एंड एच सी एल, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टेनस क्लोराइड क्या प्रोड्यूस करेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन जाके ऐड होगा, तो एक यहाँ पे एच, एक यहाँ पे एच, और इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक, मतलब तो एक साइड जाएगा वो। तो ये बना आपका क्या, अल्काइल इमीन बन गया। इसको हम एसिड हाइड्रोलाइज करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ अटैच कर देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और दो हाइड्रोजन यहाँ पर रहेंगे तो ये अमोनिया बन गया, एल्डिहाइड और अमोनिया, इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। अब सेकेंड लेते हैं बाय यूजिंग डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिन हाइड्राइड, इसको हम लिखते हैं डाइबल एच, या फिर ए एल एच इन ब्रैकेट आई डैश बी, मतलब डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिन हाइड्राइड। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सी एच थ्री टेकन ट्वाइस सी एच सी एच, ये आपका आइसो ब्यूटाइल है, ये आइसो ब्यूटाइल, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐसा लिखना है। तो अब देखो, हमने लिया अल्काइल साइनाइड लिया हमने यहाँ पर, इसको डाइबल एच लिया और उसको रिड्यूस कर दिया, तो इसमें सिर्फ ग्रुप कन्वर्जन करना है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को किस में करना, मतलब साइनाइड ग्रुप को आपको एल्डिहाइड ग्रुप में इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम ईस्टर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिया ए, अब लेते हैं बी फ्रॉम ईस्टर्स, फ्रॉम ईस्टर्स यहाँ भी ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने लिया अल्काइल मतलब ईस्टर लेना आर सी ओ ओ आर। ठीक है ना, और यहाँ पे एरो पे लेंगे डाइबल एच लेते हैं, डाइबल एच
सेकेंड पॉइंट में वाटर, तो अब इसमें जो ईस्टर ग्रुप है वो किस वर्ड हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड ग्रुप में, तो आर सी एच ओ फिनिश हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपका सेकेंड प्रिपरेशन में, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का थर्ड प्रिपरेशन उसका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन लेना है, फिर हमको फिर सेकंड हमको लेना है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फिर लेना है आपको बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो पहले देखते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो अगर आपने क्या किया, मिथाइल बेंजीन मतलब टॉलुइन, टॉलुइन को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहले बनेगा आपका बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड रेडली ऑक्सीडाइज्ड इनटू बेंजोइक एसिड, लेकिन हमको इस रिएक्शन स्टॉप करना है बेंजल्डिहाइड पे, तब हमको लेना पड़ेगा सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हमने दो लिए हुए यहाँ पर, पहले लिया बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड और दूसरा लिया बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, इससे हम रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे रोक सकते हैं। देखो अब यहाँ पर तो हमने यहाँ पे टॉलुइन या फिर उसका कोई डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव क्या करते हैं हैलोजन लगाते हैं नाइट्रो लगाते हैं बस। तो यहाँ पे हमने लिया क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपका बनेगा ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ का H निकल कर अटैच होगा ओ सी आर, ये ओ सी आर ओ सी एल टू एच इधर हो जाएगा अटैच और सी एल टू, ठीक है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर इसका एसिड हाइड्रोलाइज कर दो बन जाएगा बेंजोइक, इसको डायरेक्ट भी याद रखना चलता है क्योंकि कोई खास नहीं है, और इस रिएक्शन बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, ये काम का नेम रिएक्शन, और डायरेक्ट याद रख लीजिए ना उसको क्या बनता है ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट। फिर बाई यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड, तो हमने क्या किया यहाँ पे डेरिवेटिव लिया है 4 नाइट्रो टोलुइन, इसको हमने एसिडिक अनहाइड्राइड रिएक्ट किया, टेम्परेचर 273 टू 283 केल्विन, और यहाँ पे लिया क्रोमिक ऑक्साइड, तो यहाँ बनेगा डाइएसिटेट डेरिवेटिव, ठीक है ना। उसके बाद उसका एसिड हाइड्रोलाइज कर दिया तो बन जाएगा 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो क्या कुछ नहीं करना, ये क्या करता है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन, जैसे ये बना है कॉम्प्लेक्स ये प्रिवेंट करेगा, तो इसमें आपको क्या आएगा बेंजल्डिहाइड, देखो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, प्रिवेंट करता है, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट बन जाता है कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके अब देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट बाय साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमने टॉले लेना है, तो ये इसका क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीन से एच को रिप्लेस करेगा बन जाएगा यहाँ से निकलेगा एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ बन जाएगा आपका बेंजाल डाइक्लोराइड, ठीक है ना। उसका हमने एसिडिफिकेशन कर दिया, मतलब एसिड हाइड्रोलाइज कर दिया एट 373 केल्विन, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन वाटर का ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा आपका ट्वाइस एच सी एल बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना, बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट इसमें थर्ड है बाय गटरमैन कोच रिएक्शन, तो इसको क्या करना है बेंजीन है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको क्या करना है कार्बन मोनोऑक्साइड और एस एल के साथ रिएक्ट करना है, तो इसमें से यहाँ पर एच रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा आपका सी एच ओ ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, डायरेक्ट ग्रुप करोट रखिए याद करना, और इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड लिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना, ये कैटलिस ये कंडीशन याद रखिए, और ग्रुप डायरेक्ट देखो बेंजीन किसमें नोट किया बेंजोलाइट, कुछ प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया पूरे प्रिपरेशन ऑफ आपका एल्डिहाइड्स। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, सिर्फ कीटोन बनेंगे इससे, तो उसमें पहले थे फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तो हमने लिया असाइल क्लोराइड, उसको हमने डायलकल कैडियम से रिएक्ट किया, तो ये अल्काइल ग्रुप सी एल को रिप्लेस कर सी एल यहाँ पे आ जाएगा बन जाएगा आपका कीटोन, ठीक है ना, और बन जाएगा कैडमियम डाइक्लोराइड। तो इससे आप एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये आर पे डिपेंड करता है, आर एलिफेटिक ले रहे हैं कि एरोमेटिक, बना सकते हैं आप दोनों टाइप के कीटोन्स में, ठीक है नोट कर लीजिए। ओके अब इसमें कीटोन्स की प्रिपरेशन सेकेंड है फ्रॉम नाइट्राइल्स, तो हमने यहाँ पे लिया बेंजो नाइट्राइल, यहाँ पे लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो अभी क्या हो जाएगा ये जो फिनाइल है ये जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और एम जी बी आ जाके साइनाइड से अटैच होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएगा बन जाएगा आपका क्या इमिन कॉम्प्लेक्स। अब इसको हमने एसिड हाइड्रोलाइज कर दिया, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पर वाटर का ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच बन गया मतलब बेंजो फिनोन जिसको बोलते हैं डाई फिनाइल कीटोन, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो अमोनिया बन जाएगा, यहाँ पे OH अटैच करेंगे तो बन जाएगा एम जी बी आर ओ एच, देख लीजिए सिंपल है। अगर आप ये दोनों अगर इक्वी मोलार मिक्सचर में लिया, अगर आपने इक्वी मोलार मिक्सचर में लिया ठीक है ना, तो बनेगा आपका क्या कीटोन। अगर आपने एक्सेस में क्या लिया, अगर आपने एक्सेस में ध्यान रखना जरा, एक्सेस में आपने क्या लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तब बनता है टर्शियरी अल्कोहल। तो ये जो है ना बेंजोफिनोन बना, ये फिर से रिएक्ट करेगा आपका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, पूरी रिएक्शन सेम ऐसी हो जाएगी और क्या बनेगा आपका ट्राईफिनाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब टर्शियरी अल्कोहल। अब लास्ट मेथड है इसका भी फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो हमने लिया बेंजीन लिया, फिर आप उसका कोई डेरिवेटिव, उसको एलिफेटिक और एरोमेटिक बेंजोइल क्लोराइड लिया,
एलिफेटिक और एरोमेटिक मतलब असाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड ऐसा आएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिन क्लोराइड तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ जो है ना आपका ए आर या फिर आर सी ओ ग्रुप यहाँ पे एच को रिप्लेस करेगा और एच सी एल बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा आपका एलिफेटिक, मतलब यहाँ पर आर सी ओ बेंजनिंग आएगा या फिर दोनों साइड बेंजनिंग आएगा, मतलब डाई मतलब बेंजोफिनोन भी बन सकता है या फिर अल्काइल फिनाइल कीटोन भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पूरे प्रिपरेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए।